नमस्कार, मैं हूं ताजा अपडेट के साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आप अपने अपने क्षेत्रों की ताजा खबरें देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने आज उच्च न्यायालय में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से एक याचिका दाखिल की है। जिस याचिका में उन्होंने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन चार लोगों की कमेटी गठित की थी, जिसमें किसानों के खिलाफ कानून को देखते हुए और किसान हित में और किसान जिस तरह से आंदोलनरत है उनके हालात को देखते हुए पंजाब व हरियाणा के किसानों के हित में किसान नेता मान सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया है। अब कमेटी में सिर्फ 3 सदस्य रह गए हैं। अब उन 3 सदस्यों का हाल यह है कि वह कहीं ना कहीं किसान बिल के समर्थन में है और सरकार के साथ है और उनका राजनीतिक दल से संबंध होने के नाते उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में मांग किया है कि कमेटी में जो लोग भी हों वह निष्पक्ष हों, चाहे उसमें कोई न्याय विभाग का पूर्वाधिकारी हो, मृतकों के परिवार के लोग हों, आंदोलनरत किसान नेता सम्मानित लोग भी कमेटी में शामिल हो सकते हैं, जिससे जो किसानों को घाव लगा है उस पर मरहम लगाया जा सके और इसका समाधान भी निकल सके। उन्होंने कहा कि हमारी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। साथ ही उन्होंने भी कहा कि गणतंत्र दिवस पर लोगों द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि किसान कानून तोड़ेंगे, लेकिन किसान भाई ऐसा नहीं करेंगे और वह कानून का पूरी तरह पालन करेंगे। आज सुनवाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने क्या कुछ कहा। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मैंने इस बाबत एक याचिका दाखिल की है भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो किसान कानूनों के संबंध में कमेटी गठित की थी 4 सदस्यों की, उन 4 सदस्यों में से एक सदस्य मान साहब ने अपनी स्थिति को देखते हुए, किसानों के कानून को देखते हुए, किसानों के खिलाफ जो कानून है उसको देखते हुए और जो किसानों की हालात है, किसान जिस तरह से आंदोलनरत है, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए किसानों के हित में, पंजाब के हित में अपनी इसमें जो सदस्यता थी, जो बनाया गया था, उन्हें नॉमिनेट किया गया था, उसको वापस ले लिया है। अब कमेटी में 3 सदस्य रह गए। 3 सदस्यों का हाल भी वही है, क्योंकि 3 सदस्य, इनमें से एक सदस्य पहले ही आर्टिकल द हिंदू और अखबार में लिख चुके हैं किसान के जो 3 कानून हैं उनके पक्ष में, सरकार के पक्ष में। दूसरे सदस्य हैं वो भी आर्टिकल लिख चुके हैं और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कृषि मंत्री हैं उनसे मिल चुके हैं और कृषि कानूनों को ना वापस करने और कृषि कानूनों की तारीफ कर चुके हैं। तीसरे सदस्य भी इसी तरह के बयान, स्टेटमेंट, लेटर दे चुके हैं भारत सरकार को, जिसमें साफ तौर पर जा रहे हैं वो बायस्ड हैं, पूरी तरह से बायस्ड हैं। कुछ राजनीतिक बातें भी आई हैं कि राजनीतिक दल से संबंध होने के कारण भी निष्पक्षता कहीं ना कहीं डाउटफुल हो गई। ऐसी स्थिति में हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये आशय की है, मांग की है कि बिना राजनीतिक दल, कोई राजनीतिक दल ना हो, निष्पक्ष हो, बिल्कुल पूरी तरह से इम्पार्शल हो, न्यूट्रल हो, ऐसे सम्मानित व्यक्तियों को जिनमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं, ऐसे सम्मानित और व्यक्ति हो सकते हैं जो भारतीय किसान संगठन ऑर्गेनाइजेशन है, जो आंदोलनरत हैं, बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे हैं, देश भर में आंदोलन कर रहे हैं, उनके अध्यक्ष हो सकते हैं, मृतकों के परिवार वालों में हो सकते हैं, जिससे उनके भी जो घाव बने हुए उन पर मरहम लग सके। इस तरह से एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो सच्चाई में समाधान मांग कर सके, जैसा कि समाधान इच्छा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी जताई और देश भी समाधान चाहता है। बहुत दिन हो चुके हैं, बहुत कोहरे की रातें बीत चुकी हैं, 2 महीने लगभग होने जा रहे हैं। इस आशय की एप्लीकेशन हमने, पिटीशन जो है अपनी मूव की है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। और दूसरी बात, जो यूनियन ऑफ इंडिया ने थ्रू दिल्ली पुलिस एप्लीकेशन लगाई है, जिसमें कहा गया कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड पर ट्रैक्टर रैली किसान करेंगे। देखिए, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस सभी का है, पूरे देश का कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक हमारा उत्सव है, महोत्सव है, इसे हम सभी देशवासी बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं, पूरे दिल से, दिमाग से, जुआ से, पूरी तरह से मनाते हैं। ऐसी स्थिति में दूसरी बात, कानूनी बाध्यताएं वाली बात है, नई दिल्ली परिक्षेत्र जिस क्षेत्र में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की यात्रा, बीटिंग रिट्रीट, तैयारियां, रिहर्सल जो भी होने हैं 3 दिन 4 दिन, उन सब में धारा 144 पहले से ही लगी हुई है और धारा 144 CRPC साफ तौर पर कहती 5 से 7-8 व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। ये कानून है, लॉ है, ये सभी जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में और मांग करना और एप्लीकेशन लगाना, ये पूरी तरह से कोर्ट का टाइम खराब करना है, भ्रमित करना है।
भारत सरकार और दिल्ली पुलिस द्वारा। जब धारा 144 लगी और उसके बड़े बड़े बोर्ड हर तरफ नई दिल्ली परिक्षेत्र में जब भी आप घुसेंगे तो उसमें ये बोर्ड लगे हुए हैं, तो साफ तौर जाहिर हो रहा है कि धारा 144 में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फिर भी उन्होंने एप्लीकेशन लगाई। हम लोग लॉ अबॉर्डिंग सिटीजन है, कानून में विश्वास रखते हैं, किसानों के लिए काम करते हैं हमारे क्लाइंट जो किसान संगठन है भारतीय किसान लोक शक्ति, लेकिन कानून तोड़ने वाले में तोड़ने में बिल्कुल कभी विश्वास नहीं करते। ये इस बात से सरकार को पुलिस को आश्वस्त रहना चाहिए।